हेलो गाइस, तो देखिए आज मैं उसी टॉपिक भाई मेरा चैप्टर चल रहा है ठीक है। और जो आज मेरा टॉपिक है वो अलावा, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्लास 10 से, और चैप्टर नंबर चल रहा था सेकंड ठीक है, जिसका नाम था क्षार अम्ल व लवण। तो मैंने क्षार को आपको पता पढ़ाया था और मैंने अम्ल भी आप लोगों को पढ़ाया था। आज हम बात करने वाले हैं लवण पे। तो देखिए हम बात करते हैं कि मेरा लवण होता क्या है ठीक है। तो देखते हैं जो ये लवण है जिसे हम बोलते हैं साल्ट। तो सबसे पहली बात है, जब हमने आपको अम्ल पढ़ाया था तो अम्ल में ये पढ़ाया था कि जो अम्ल है वो मेरे हाइड्रोजन आयन दे रहे थे, वो भी कैसा प्लस का, यानी कि धन आयन, हमें क्या हाइड्रोजन मिल रहा था ठीक। और जो मेरे क्षार थे या क्षारक थे वो क्या कर रहे थे, वो मुझे हाइड्रोक्साइल यानी OH दे रहे थे नेगेटिव का, क्लियर। फिर मैंने आपको अम्ल से लवण बनाना भी सिखाया था और क्षार से भी लवण बनाना सिखाया था ठीक है। हमने बनाया था नहीं, अम्ल से भी लवण मिला था हमें और क्षार से भी हमें लवण बनाना सिखाया था। अब हम आपको आज है जो मेरा टॉपिक वो है कि लवण। तो देखते हैं यहाँ मेरा लवण है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दी है मैंने, क्या है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, तो कोई मेरा पदार्थ होगा जिसका जलीय विलयन होगा जिसमें क्या होगा हाइड्रोजन आयन के अलावा क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा के लिख लो, हाइड्रोजन आयन के अलावा और कोई धन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो तो वह लवण कहलाता है। कहने का मतलब सीधा सीधा आप लोग, ये आपकी डेफिनेशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि लवण कौन है। देखिए, जब मैंने आपको अम्ल पढ़ाया था तो अम्ल में क्या था, हाइड्रोजन आयन हमें मिल रहा था, उसके अलावा और कोई वो हमें धन आयन नहीं दे रहा था अम्ल ठीक। ये मैंने अम्ल में पढ़ा था। और जब हम क्षार में आए थे, क्षारक में, तो मैंने ये पढ़ा था कि वो मेरे क्या OH यानी हाइड्रोक्साइल दे रहे थे, कैसा दे रहे थे, हाइड्रोक्साइल नेगेटिव का दे रहे थे, वो मेरे क्षार थे। अब लवण वो है जिनमें H के अलावा और भी कोई धन आयन हमें मिले और OH के अलावा और भी कोई हमें धन आयन मिले ठीक है, तो वो मेरे लवण हो जाएंगे। उनमें ओनली हाइड्रोजन आयन ही मिल रहा था और कोई नहीं मिल रहा था, और क्षार में हाइड्रोक्साइल जो मेरा हाइड्रोक्साइड था वही मेरा मिल रहा था और कोई नहीं हमें मिल रहा था, यानी OH नेगेटिव ठीक है। पर इनमें OH और OH के अलावा भी कुछ आयन हमें मिले तो वो क्या है, लवण है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में मैंने आपको दे रखा है ZnSO4 NaCl CuSO4 ठीक है, KNO3 NH4Cl ठीक है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कि यहाँ हम इसको उठा लें, किसको, ZnSO4 को। तो देखते हैं ZnSO4, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मेरा Zn निकल के आएगा प्लस SO4। तो देखिए यहाँ मुझे क्या H और OH के अलावा भी तो आयन हमारे निकल रहे हैं, देखिए यहाँ क्या SO4 निकला, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा लवण है, क्लियर, ये क्या है मेरा लवण। तो देखिए जो अब मेरा टॉपिक वो है लवण का निर्माण, यानी कि हम लवण को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो हमारा दिया गया है ए पॉइंट में क्या दिया गया, क्या वंश कर रहा, ए पॉइंट में क्या दिया गया, ये दिया गया है ए पॉइंट में देखिए कि अम्ल की धातु के साथ क्रिया। तो आपको पता है हम लेते हैं, यहाँ देखिए Zn मेरी क्या है, हमने Zn ले लिया प्लस और क्या ले लिया HCl ठीक, या हम ले लें HCl भी ले सकते और हम ले लें H2SO4, क्या ले लें H2SO4, जैसा कि उन्होंने बोला। ए पॉइंट में क्या है कि अम्ल, तो अम्ल मैंने ले लिया H2SO4 और बोला धातु, तो Zn जिंक मेरी एक धातु है ठीक। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2O, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, H2O नहीं निकलेगा, ओनली H2 निकलेगा, क्या निकलेगा H2। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या निकली, हाइड्रोजन गैस, वो कहाँ चली गई, ऊपर, ये है मेरी हाइड्रोजन ठीक है। और ये क्या बना, ये बन गया है जिंक सल्फेट, क्या बना, जिंक सल्फेट। और ये मेरा क्या है, इसे हम बोल सकते हैं ये मेरा लवण है, क्या है लवण। देखो हो गया लवण का निर्माण, यहां मैंने जिंक लिया जो कि मेरी धातु है और यहाँ H2SO4 ठीक, ये मेरा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल मैंने लिया और उसकी क्रिया Zn से कराई जिंक से, तो मेरा क्या, जिंक सल्फेट जो मेरा लवण निकल के आया, और प्लस क्या निकली, हाइड्रोजन गैस।
ओके H2 निकला। अब मेरा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, उन्होंने बोला है धात्विक ऑक्साइड की हम क्या अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हमने ले लिया धात्विक ऑक्साइड जैसे कि CaO प्लस HCl, क्लियर एरो, यहां क्या बन गया CaCl2 प्लस H2O। अब ये मेरी अनबैलेंस रिएक्शन है, H2 हम कह सकते हैं मेरा जल है और Ca ये है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है ये, लो हम ब्लू मार्कर से लिख दे सब ब्लैक ब्लैक, थोड़ा ब्लू क्या है लाइट हो जाता है, तो यहाँ ये क्या है, ये है मेरा कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या है लवण है, क्लियर। अब ये अनबैलेंस है, यहां हम अगर दो का गुणा कर दिया H2 हो गए, यहाँ पे H2 है, Cl2 हो गए, Cl2 है, O मेरे देखिए वहां पे एक है, यहां से एक O वहां पहुंच गया, क्लियर। तो यहां मैंने क्या किया, धात्विक ऑक्साइड लिया और उसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो भी हमें क्या लवण मिला, क्लियर। A हो गया, B हो गया, दो प्रकार से आप बनाना सीख गए। अब तीसरा प्रकार है अम्ल व क्षार के बीच अभिक्रिया, क्या है अम्ल व क्षार के बीच अभिक्रिया, तो देख लो एक हम अम्ल लेते हैं, एक हम अम्ल ले रहे हैं, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे HCl प्लस NaOH एरो, तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो मैं दिख रहा होगा, ये देखिए क्या बना NaCl प्लस H2O बन गया, ये मेरा क्या बन गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये बन गया जल, और ये भी मेरा क्या है लवण है, क्लियर हो गया। अब मेरा जो अगला पॉइंट है देखिए, यहां से सीधा NaCl निकल गया, एक एच ये बचा तो 2H हो गए और एक हो, तो H2O किसका फॉर्मूला होता है, H2O फॉर्मूला किसका होता है जल का, ये मेरा जल निकल गया और ये NaCl ये मेरा सोडियम क्लोराइड बन गया, है ना, ओके। देखिए जो मेरा ये पॉइंट है डी, इसमें धातुओं के कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया, हम क्या ले लेंगे धातुओं का क्या कार्बोनेट, तो जैसे हम लेते हैं जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ZnCO3, ठीक है, अब इसकी क्रिया हम कराते हैं अम्ल से, तो H2SO4 हमने ले लिया, ठीक एरो, तो यहां से देखिए सबसे पहले मेरा ये जो Zn और SO4 यहाँ बनेगा ZnSO4, अभी मैंने आपको बताया था कि ZnSO4 मेरा क्या है लवण बोला था, ठीक है, प्लस उसके बाद निकलेगा CO2 प्लस H2O, देखो यहां से CO2 हो गया, ठीक है, यहां से 2H बचा वहां पहुंच गया और एक ओ CO2 बचा, एक ओ वो देखिए H के साथ निकल गया, देखो नहीं आ रहा समझ में, देखिए Zn है, Zn ने क्या किया, ये आया SO4 के साथ, तो ZnSO4 हो गया, ठीक, जिसे हम बोलते हैं जिंक सल्फेट, क्या बोलते हैं जिंक सल्फेट, क्लियर, ये मेरा क्या है लवण है। अब इसके बाद CO2 है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तो मेरा जल है ही H2O, तो यहाँ CO3, ठीक है, जो ये CO है तो यहाँ CO2 निकला, एक ओ बचा वो H2O हो गया, और यहाँ बचा था H2O मेरा, हो गया ठीक। तो हमने कितने, हमने आपको लवण का निर्माण कितने टाइप से पढ़ाया है कि आप लोग चार प्रकार से लवण का निर्माण कर सकते हैं, साल्ट का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, क्लियर। तो देखिए गाइस जो अब मेरा टॉपिक है वो है लवण के प्रकार, क्या है लवण के प्रकार, तो देखिए हम बात करते हैं लवण हमारे कितने, तीन प्रकार यहाँ मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो जो पहला है वो है सामान्य लवण यानी कि नॉर्मल साल्ट, तो हम बात करते हैं वे लवण जो मेरे अम्ल व क्षार के पूरे उदासीन से बनते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे सामान्य लवण, जैसे कि यहाँ मैंने दिया है एग्जाम्पल NaCl, KNO3, ठीक है, NA2, SO4 आदि,
फिर क्या हुआ Na2SO4 का क्या होता है, पूर्ण उदासीन होता है। यहाँ पे देखिए 2Na+SO4, ठीक है, जो ये डबल नेगेटिव होता है इसका यह पूर्ण उदासीन होता है, तब जाके मेरा क्या सामान्य लवण बनके तैयार होता है। ठीक है, अब मेरा है सेकेंड अम्लीय लवण। तो जाहिर सी बात है जब अम्लीय लवण बोला है तो यहाँ जो मेन जो मेरी भूमिका होगी वो किसकी होगी, एसिड की यानी कि अम्ल की। तो देखिए यहाँ H2SO4 ये हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं NaHSO4, इसमें क्या होगा, इसमें जो अम्लीय लवण होगा उसमें ये क्या होगा, ये मेरे अम्ल के प्रतिस्थापन से बनेंगे, जो इसमें जो अम्ल का जो मॉलिक्यूल होगा, अम्लीय लवण ध्यान से सुनना मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्या होगा अम्लीय लवण में जो अम्ल होगा और अम्ल का जो परमाणु होगा वो क्या होगा प्रतिस्थापन से क्या अम्लीय लवण बनाएगा। देखो क्या होगा यहाँ NaHSO4 इसका NaH और देखिए ये H का पूरा क्या है प्रतिस्थापन, जो इसका हाइड्रोजन परमाणु है वो पूरा प्रतिस्थापित करता है, देखिए क्या SO4 को किया प्लस SO4, ठीक। तो ये कैसा है, ये है मेरा अम्लीय लवण, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया क्षारीय लवण, यहाँ देखिए ये है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देखिए क्या है, जब किसी क्षारक के समस्त हाइड्रोक्सिल यानी कि OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक, आयनों का ऋणायनों द्वारा विस्थापन नहीं होता, हाइड्रोजन मेरा धनायन का होता है, ठीक, तो उसके धनायन से ही उनका क्या है जो भी है परमाणु उनका क्या विस्थापन वो करता है, वो प्रतिस्थापित करता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यह अम्लीय में होगा। पर इसमें क्या होगा, इसमें जो OH है वो आयनों का ऋणायनों द्वारा प्रतिस्थापन नहीं होता, इसमें प्रतिस्थापन वो नहीं करता है, ठीक। तब मेरा इसके देखिए ये है एग्जांपल FeOH का होल ट्राइज, ठीक है, FeOH का होल ट्राइज Cl, तो यहाँ मैंने एक जो एग्जांपल लिया है वो है PbOHNO3, ठीक, इसको देखिए Pb+OH+NO3, इसने क्या किया, इसने अपने जो ऋणायनों का प्रतिस्थापन नहीं किया, ठीक, देखिए ये माइनस का ये भी माइनस का, पर यहाँ देखिए जो H है मेरा अम्लीय में H है, देखो प्लस का और SO4 देखो है माइनस का, इसने कर दिया ना प्रति स्थापन, इसलिए ओके गाइस ये टॉपिक मेरा होता है यही समाप्त। और आज के जो मैंने टॉपिक में आपको पूरा जो भी था मेरा लवण से रिलेटिव पूरा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ओके गाइस।